नमस्कार दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, दांत खाज और खुजली स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं। इसमें त्वचा पर लाल रंग की छोटे छोटे दाने होने लगते हैं और बार बार खारिश करने से स्किन पर निशान और जलन होने लगती है। खुजली को एक्जिमा रोग भी कहते हैं, जो अधिकतर हाथों, गले, कमर, चेहरे, पैरों और शरीर के अंदरूनी अंगों के आसपास होती है। लंबे समय तक त्वचा के गीले रहने पर और रूखी त्वचा पर भी इचिंग होती है और रूखी त्वचा पर भी इचिंग ज़्यादा होती है। दांत खाज ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में कई तरह के एंटी फंगल क्रीम और दवाएं भी आती है, और इसके अलावा घरेलू उपचार करके भी आप दांत खाज खुजली को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, त्वचा पर दाद हो जाए तो कई बार इसके साथ फुंसियाँ भी हो जाती है और उनमें पस भरने लगती है। खुजली खारिश के उपचार के लिए जरूरी है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। शरीर को साफ रखें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। अगर सही तरीके से और सही समय पर इचिंग का इलाज कर लिया जाए तो इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, स्किन की एलर्जी के कारण ज़्यादातर खुजली की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ कारण और भी हैं जिनकी वजह से शरीर पर इचिंग की समस्या होने लगती है, जैसे त्वचा रूखी रहने से या धूल मिट्टी के कारण या मौसम में आए बदलाव से भी इचिंग हो सकती है। स्किन पर इन्फेक्शन होने के कारण या लंबे समय तक गीला रहने से या किसी क्रीम या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी खुजली हो सकती है। बालों में जुए और रूसी होने के कारण भी सिर में खुजली होने लगती है। दोस्तों, त्वचा का रंग लाल पड़ना, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकलना या जलन महसूस होना और ज़्यादा खारिश होना, ये सभी खारिश खुजली के लक्षण हैं। आइए अब जानते हैं दांत खाज खुजली के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, खीरे के रस से हल्की मालिश करने से खुजली दूर हो जाती है। अगर खुजली ज़्यादा होती है तो एक हफ्ता टमाटर का रस सुबह शाम पिए, इससे बहुत जल्द फायदा मिलेगा। खारिश करने से अगर दानों में से पानी निकलता है तो आप इसे गीला होने से बचाएं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और पानी से नहाएं। इस घरेलू नुस्खों से कीटाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा आप कपूर को नारियल तेल में डालकर अच्छे से मिला लें और इचिंग वाली जगह पर मसाज करें, इससे भी फायदा मिलेगा। या एलोवेरा के पत्ते को काटकर इसका गूदा निकालकर लगाने से स्किन इचिंग से राहत मिलती है। खारिश बार बार हो तो देसी घी को गुनगुना करें और उसमें हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर मसाज करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें 2-3 चम्मच गुलाब जल मिलाकर इसका लेप करने से भी खुजली दूर होती है। दोस्तों, अगर आप दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान हैं तो नहाते समय साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और स्नान के बाद नारियल का तेल जरूर लगाएं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ और घरेलू उपाय हैं, जैसे दांत पर लहसुन की कुछ कलियाँ पीस कर लगाने से भी इस समस्या से राहत मिलती है। दांत पुराना है तो इसके इलाज के लिए दांत काज खुजली की क्रीम के इस्तेमाल से भी राहत मिलती है। इसके अलावा केले को पीसकर थोड़ा सा नींबू का रस इसमें मिलाकर लगाने से भी दांत काज खुजली में आराम मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमकीन और मीठा खाने से बचें। गुलकंद और दूध का सेवन भी दांत हटाने का घरेलू तरीका है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, गाजर कद्दूकस करें, फिर थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें डालें, फिर गर्म करें। इस मिश्रण को दांत पर लगाने से दांत खत्म हो जाता है। दांत पर नींबू का रस लगाने से भी दांत साफ होने लगता है। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर कुछ ही दिनों में दांत खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का लेप दांत खाज पर लगाने से भी इससे छुटकारा पाने में मदद मिलती है। दिन में 1 बार और रात को सोने से पहले इस उपयोग को जरूर करें। या फिर अजवाइन गर्म पानी में पीसकर इसका लेप दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाता है। इसके अलावा दांत को अजवाइन के पानी से धोने से भी फायदा मिलता है। इसके अलावा आप ये उपाय भी कर सकते हैं, त्रिफला को आप भून लें और इसे पीस लें और इसका चूर्ण बना लें।
इस चूर्ण में सरसों का तेल, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ी सी फिटकरी डालकर और पानी मिलाकर मरहम बना लें। ये मरहम पकने वाले दांत के लिए रामबाण दवा है। दोस्तों, गेंदे के फूल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। पानी में गेंदे के पत्ते उबालकर दिन में 2 से 3 बार इसका उपयोग करें। इससे भी दांत खाज खुजली बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। दाद होने पर आप नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम के पत्तों को दही में पीसकर इसका लेप लगाएं। दोस्तों, अगर खुजली अधिक हो रही है तो इसे हाथ से खुजाने की बजाय रुई या कोई मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। आपकी स्किन अगर अधिक संवेदनशील है तो कोई भी उपाय और नुस्खा करने या फिर मेडिसिन या दवा लगाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली पूंजी है। इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।